हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के संबंध में है। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं, जो अपडेट है यूजीसी नेट पेपर 2 कोर्स के बारे में। अगर यदि आपका भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो आपके लिए IFAS इंस्टीट्यूट लेकर आया है यूजीसी नेट पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स, जो कि स्टार्ट होने वाला है 26 मई 2022 से, जिसका इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही IFAS को, जहां पे आपके लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है 26 मई से। आपको बता दें, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर संपर्क करके और अधिक डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको भी आप विजिट करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके और अधिक डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस कोर्स में इनरोल खुद को करना है, अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अभी आप जा सकते हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे मिल जाएगा आपको एक लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधे आप इस कोर्स के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए आज ही IFAS इंस्टीट्यूट को यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं उस अपडेट्स का जो कि निकल कर आया है यूजीसी नेट एग्जाम के संबंध में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्वीट कल यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार की ओर से किया गया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अब यूजीसी नेट एग्जाम का जो लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म फिलअप करने का, वो होने वाला है 30 मई तक, जबकि अभी तक एनटीए नेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है 20 मई तक लास्ट डेट था। अभी अगर जबकि आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो देखने को मिलेगा, जहां पे आप जाकर के खुद का जो भी एरर हुआ हो फॉर्म भरते समय उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है जिससे नए स्टूडेंट फॉर्म भर सके। आपको बता दें, ये जो करेक्शन विंडो है ये ओपन किया गया है आज तक के लिए ही, यानी कि 23 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसी बीच यूजीसी चेयरमैन का एक ट्वीट आ जाता है कि अब लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का, उसे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में एनटीए असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार हम करेक्शन कराएं कि नया फॉर्म भराएं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज रात 9 बजे के बाद वो लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर, आपने भी कहा था कि अब आप ऑनलाइन आवेदन 30 मई तक कर सकते हैं, जबकि अभी तक कोई भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। यह बात बिल्कुल सच है। यहां पे आप देख सकते हैं 21 मई को यही वो नोटिफिकेशन है जो एनटीए ने रिलीज किया था करेक्शन के संबंध में। यहां पे ये साफ कर दिया गया है कि 21 मई से 23 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं रात के 9 बजे तक। आपको बता दें कि ये करेक्शन आज रात 9 बजे तक तो होगा ही होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, और जैसे ही 30 तारीख को ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से एक बार एनटीए करेक्शन के लिए विंडोज ओपन करेगा, ताकि जो नए स्टूडेंट भी फॉर्म भरें और जो पुराने स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं वो भी अपना फॉर्म को करेक्ट कर सके, अगर कोई गलती कर चुके हैं तो। यहां से आप सभी के लिए अपडेट ये है कि ऑनलाइन आवेदन आप 30 तारीख तक कर सकते हैं, जिसका लिंक संभवतः आज रात तक एक्टिव हो चुका होगा, यानी कि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं इस वक्त अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है देर रात तक आज वो लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू नए स्टूडेंट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ करेक्शन विंडो अभी तो ओपन है ही है, साथ ही साथ जैसे ही 30 तारीख के बाद का जो समय होगा वहां भी कुछ दिन के लिए करेक्शन विंडो एक बार फिर से ओपन किया जाएगा। तो फिलहाल ये दो अपडेट है,
परेशान आप बिल्कुल ना हो, आज रात से आप फिर से एक बार फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ अभी एग्जाम संबंधित कोई भी अपडेट नहीं है, हो सकता है बहुत ही जल्द यूजीसी नेट का एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया जाए एनटीए की ओर से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।